नगर निगम कार्यकारिणी समिति के रिक्त पड़े 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार को नगर निगम के सदन हॉल में आयोजित किया गया। चुनाव प्रक्रिया महापौर की अध्यक्षता में शुरू किया गया, जिसमें 10 सदस्यों ने नामांकन किया। नामांकन वापस की प्रक्रिया में 3 सदस्यों ने अपना नाम वापस लिया। बचे 7 सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान की प्रक्रिया में सबसे पहले महिला पार्षदों ने अपना मत प्रयोग किया। धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने चुनाव में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल और सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने मतदान किया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी अमरीश बहादुर पाल ने कहा कि मतदान में गड़बड़ी होने की वजह से इस प्रक्रिया का निरस्त किया जाता है, फिर से चुनाव होगा। चुनाव निरस्त होने की सूचना सुनते ही सदन हाल में पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने हंगामा कर रहे पार्षदों से शांत रहने की अपील की और चुनाव को दोबारा कराने की बात कही। महापौर ने कहा कि किसी ने विश्वास का फायदा उठाकर क्रॉस वोटिंग किया है, जो दंडनीय अपराध है। वो मेयर से मिलकर अपनी गलती स्वीकार कर ले, नहीं तो उसके ऊपर FIR होगा। आप लोगों को सूचना दिया जाता है कि जितने भी नामांकन हुए हैं, इसी के आधार पर शनिवार को 4 से 6 बजे तक पुनः मतदान होगा। सर्टिफिकेट जारी करना अधिकृत सूत्र है। आप हमारे यहाँ
जितने भी नामांकन है इसी के आधार पर चार